Assalamu alaikum, dear students. I hope so, you will be fine. Welcome to the online classes. Again, welcome to our physics department. The topic that we will discuss are Newton's first law and second law of motion, that belongs to chapter number three, and it's your second lecture from chapter number three. Okay, now start. What is defined? Define net force. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नेट फोर्स क्या है नेट फोर्स असल में बेटा आपके पास सारी जो भी एक बॉडी पे लगाई गई जितनी भी फोर्सेस होती हैं उन सब का जो रिजल्ट जो एवरेज उन सबका रिजल्ट निकलता है उसको बोलते हैं नेट फोर्स इट इज़ अ रिजल्टन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कि एक बॉडी के ऊपर जो भी रिजल्ट जो भी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो रिजल्ट है वो आपके पास नेट फोर्स कहलाएगा नेक्स्ट है डिफाइन नेक्स्ट uh, है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है ये है अ बॉडी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्स होनी इस, इस लाइन का मतलब है कि न्यूटन का जो लॉ है वो ये कहता है कि एक बॉडी जो है अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी अगर वो रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहेगी जब तक उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं की जाती नो नेट फोर्स इट जब तक उस पर कोई भी फ़ोर्स अप्लाई नहीं की जाती तो वो बॉडी आपकी या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी ये न्यूटन का फैसला था इसके कुछ एग्ज़ाम्पल और जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं पहला जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल में आपके पास एक टेबल पर एक बुक पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाई जाती उसको कोई हिलाता नहीं है जलाता नहीं है तो वो बॉडी जो बुक है वो उधर की उधर ही पड़ी रहेगी चाहे सालों गुजर जाए ठीक है ये इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी सेकेंड है अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इट मतलब एक चलती हुई गाड़ी चलती रहेगी जब तक उसको रोकने के लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं आएगी मतलब उसको रोकने के लिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तो वो बॉडी च... मूव ही करती रहेगी ठीक है जैसे कि इसके मिसाल में आप एक बॉल को किसी रफ़ सरफेस के ऊपर एक मिसाल भी है ना बॉल रोल्ड होना रफ़ सरफेस स्ट्रॉप कर लिया दैन डेट रोल्ड होना स्मूथ ग्राउंड मतलब एक बॉल एक बॉल जो है वो आप एक रफ़ सरफेस के ऊपर मूव करवाते हो ठीक है रफ़ सरफेस के ऊपर ऐसे उसको गिरा देते हो तो वो बॉडी जल्दी स्टॉप हो जाएगी क्यों क्योंकि बिकॉज रफ़ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन जो रफ़ सरफेस होती है उसके अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है ठीक है इसी तरह क्योंकि अब फिर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाएगा कैसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाएगा क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर आप लोग बात करते हो कि हमारे पास जो इनर्शिया है वो कहते हैं कि अपनी स्टेट चेंज करना ठीक है अपन मतलब बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो स्टेट चेंज करता है वो रेस्ट में हो या मोशन में हो ठीक है जो आपने पीछे लेक्चर के अंदर इनर्शिया की डेफिनेशन में डिस्कस किया था तो फिर इस मुताबिक इस पॉइंट के मुताबिक न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी कहते हैं मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाएगा आपकी बुक पे ये एक पिक्चर बनी हुई है डू यू नो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि मतलब जब हम लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं मुसाफिर हैं तो बाहर वाला अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से जो मतलब गाड़ी के बाहर वाला जब हमें देखता है तो उसके मुताबिक हम लोग मूव कर रहे होते हैं हम लोग मोशन में होते हैं लेकिन अगर हम अपने सीट पे बैठे हों तो हम लोग अपने सीट पे बैठ के इर्द गिर्द देखें हमारे इर्द गिर्द चीज़ें मतलब जो सीट है वो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती जो हमारे साथ बैठा पसेंजर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो इस मुताबिक हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग रेस्ट में होते हैं लेकिन अगर कोई बाहर से हमें देखता है तो वो कहता है कि ये बंदे जो हैं वो मोशन में हरकत ठीक है अब वो क्या होता है कि जब गाड़ी टर्न लेती है जब गाड़ी टर्न लेती है कोई भी कव पाथ पे टर्न लेती है तो हम लोगों ने देखा है कि जो पसेंजर होता है वो जिस तरफ टर्न लिया जा रहा है उसके ऑपोजिट मूव करता है ऐसा क्यों होता है ऐसा लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है क्यों इनर्शिया क्योंकि जो बॉडी होती है जो भी टर्न उसने लेना है उस टर्न की वजह से जो बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है उसकी जो एबिलिटी है उसने अपनी स्टेट चेंज करने है उसने अपने स्टेट की पोजीशन में आना है तो वो स्टेट की पोजीशन में आने के लिए जो आप लोगों को आपकी स्टेट की पोजीशन जो है उसको क्रिएट करने के लिए आप उसको कह देते हो कि वो इनर्शियल प्रॉपर्टी है क्योंकि इनर्शिया की डेफिनेशन में यही हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इनरशिया की डेफिनेशन ही यही थी कि हमारे पास अपनी स्टेट को चेंज करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इनर्शिया कहते हैं ठीक है बेटा जी तो बेटा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है वो कहते हैं पहले हमने पहले लॉ में बात की कि हमारे पास कोई भी मतलब एक बॉडी के ऊपर नो नेट फोर्स एक्ट्रोन को भी फोर्स अप्लाई ना की जाए तो उसके लिए क्या सिचुएशन होती है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्क्राइब करता है अब सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम उस बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है जिस बॉडी पर किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो बॉडी कोई ना कोई डिसप्लेसमेंट ट्रैवल करती है कोई ना कोई डिसप्लेसमेंट चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम तो वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम जो है वो हमारे पास कहलाता है विलासटी ठीक है अब विलॉसटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर थोड़े से टाइम के बाद विलॉसिटी भी चेंज होती है तो फिर हम उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन चैप्टर टू के अंदर पढ़िए उसे हम लोग बोलते हैं एक्सलेशन मतलब कि अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो असल में हम लोग एक्सिलेशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं मैन नेट फोर्स एक्ट ऑन बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सलिशन ठीक है उसके बाद वो कहता है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपके पास एक्सीेशन भी प्रोड्यूस हो, हो गया मतलब फोर्स और एक्सीेशन की डायरेक्शन सेम होगी ठीक है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द और द नेट फोर्स अब वो नेक्स्ट बात करता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीेशन के जो एक्सीेशन की मैग्नीट्यूड होगी जिस मिकदार में एक्सलेशन होगी वो डायरेक्टली परपोशन होगी जो फोर्स उस पर लगाई गई है उसके ठीक है नेट फोर्स के डायरेक्टली पर होगी और इन्वर्सली पर होगी उसके मैस के जो भी मैस होगा उस बॉडी का ठीक है अगर इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो वो कुछ यूँ होगा कि ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ के मतलब एक्सेशन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टू द नेट फोर्स जो कि उसने पहले पहले बात की है उसके बाद उसने बात की है कि जो एक्सरेशन है वो इन्वर्सली प्रपोर्शन है मैस के ठीक है वन ओवर एम के एम वन ओवर का मतलब है कि इन्वर्सली प्रपोर्सन है अब इन्वर्सली और डायरेक्टली का क्या मतलब होता है डायरेक्टली कहते हैं कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी भी ज़्यादा हो रही हो और अगर एक चीज कम है तो दूसरी भी कम हो रही हो ठीक है जैसे यहाँ पर ए डायरेक्टली प्रपोर्शन एफ है पहली क्वेश्चन के अंदर तो जो ए है वो अगर ज्यादा है तो एफ भी ज्यादा है अगर ए कम है तो एफ भी कम है ठीक है और इनवर्सिटी प्रपोर्सन का मतलब ये है कि अगर एक चीज ज्यादा है, तो दूसरी चीज कम अगर एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ ज़्यादा जैसे ए जो है एक्सलेशन अगर सेकेंड इक्वेशन के अंदर एक्सलेशन ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का मैथ कम होगा और अगर मैथ ज़्यादा होगा तो फिर एक्सलेशन कम होगा ठीक है ये डायरेक्टली और इनवर्सिटी का यह मतलब होता है अब अगर इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिखा जाए तो वो कुछ यूँ लिखा जाएगा कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एफ़ बाई एम के अब बाई का मतलब आप समझ गए कि इनवर्सिटी प्रोपोर्शन होता है ठीक है नेक्स्ट वन वही एफ़ अगर इधर रहे तो ये जो एम है अगर आप इस इक्वेशन के अंदर देखो तो ये जो एम है ये दूसरी साइड पर जाके इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम ए के ठीक है बेटा नेक्स्ट वन इज़ अब एफ सारी से बात प्रोपोर्चनलिटी सन हटाइंक उन्हों को कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमारे पास हमने यहाँ पे लगाया के इक्वल लगा के क्या लगाया के के इज़ कॉल्ड द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सटेंट ठीक है न्यूटन सेकेंड लॉ का अब ये के की वैल्यू अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह देते हैं कि अगर के की वैल्यू वन है वन का मतलब यूनिट ठीक है यूनिट वैल्यू है अगर के की वैल्यू वन है तो फिर हमारे पास इक्वेशन बनती है एफ इज इक्वल टू एम ए क्योंकि के की जगह वन लगाएं तो वो जब वन एम ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो एफ इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा ठीक है बेटा यहां तक आपका न्यूटन का सेकंड लॉ था अब न्यूटन के सेकंड लॉ का यूनिट क्या है मतलब यूनिट ऑफ फोर्स हमने कहा था ना कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो जो फोर्स है वो फोर्स के यूनिट है न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इस न्यूटन अब न्यूटन की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि किसी हमारे पास एक न्यूटन कब बनता है हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे फोर्स जो होती है वो वन न्यूटन तब होती है जब उस बॉडी का मैस वन के जी हो और उस पर लगाया गया जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया गया उसकी मिकदार वन मीटर पर सेकेंड स्केर हो ठीक है यूनिट्स का खास क्या रखना है कि एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्ट ठीक है और मैथ का यूनिट होता है आपके पास वन के जी ठीक है किलोग्राम अब अगर किसी बॉडी का मैथ वन के जी होगा और उस पर एक्सेशन जो है वो वन मीटर पर सेकंड स्केर अप्लाई की गई प्रोड्यूस किया गया तो उस बॉडी का उस बॉडी पे जो लगाई गई फोर्स है वो वन न्यूटन के इक्वल होगी ठीक है इसको अगर एक्सप्रेशन में लिखें तो वो एक्सप्रेशन में हमने न्यूटन सेकेंड ला के ऊपर अभी डिस्क्राइब किया कि एफ़ इज़ इक्वल टू एम ए अब इसी के मुताबिक कि एफ़ क्या है फोर्स फोर्स का यूनिट क्या होता है वन न्यूटन ठीक है ये नीचे एफ की जगह पे वन न्यूटन आ जाएगा मैथ्स के आपके पास वन के और एक्सलेशन क्या है वन मीटर पर सेकेंड्स के ठीक है अगर इनको इकट्ठा लिखेंगे तो वो कुछ यूँ लिखा जाएगा कि वन न्यूटन इज़ इक्वल टू वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर मतलब फोर्स का यूनिट होता है वन न्यूटन और वन न्यूटन इक्वल होता है किसके वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केयर के आप बाद जगह पे एक्सप्रेशन आएंगे कि उनके अंदर आप फोर्स का यूनिट न्यूटन यूज़ करोगे और बाद में न्यूटन की जगह पर आप लिख सकोगे कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्केर ठीक है बेटा आई होप सो आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को दो से तीन तीन बार लाजमी व्यू करना है ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन इरेज होने से बच जाए आप लोग आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को टॉपिक क्लियर नहीं हुआ ठीक है उम्मीद करता हूँ कि फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दो से तीन बार ये टॉपिक आप लोगों ने ये वीडियो जो भी है आप लोगों ने लाजमी देखनी है ताकि आप लोगों का माइंड टोटली रिलैक्स हो जाए अबाउट दीज टॉपिक्स ठीक है बेटा ओके बेटा अल्लाह हाफि